आपको भी टिक्की खाना बहुत पसंद है, मार्केट स्टाइल टिक्की आपको अच्छी लगती है, लेकिन आज हम बनाएंगे वही आलू टिक्की, लच्छा टिक्की घर पे। देख लेते हैं इस टेस्टी सी दिखने वाली, यम्मी सी दिखने वाली रेसिपी को कैसे हम घर पे इजीली बना सकते हैं। बार खाई होगी, लेकिन हमने करी अमृतसर में एक टिक्की ट्राई जिसको कच्चे आलू से बनाया जाता है। लच्छेदार टिक्की बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, आलू का मैंने लच्छेदार कद्दूकस करके उसको हल्का सा बॉयल कर लिया था। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से इसके लच्छे हैं वो नज़र आने चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लोर, जहाँ जिसे अरा रोट भी बोल देते हैं, 2 बड़े चम्मच हमने डाल देने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाइंडिंग है वो आ चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हैं इसका अगला स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने इसको दबा के डबल प्रेस करके इसको फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह से तोड़ लेंगे, अच्छी तरह से ऐसे करके ना इसको तोड़ लेना है ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाए। टिक्कियां को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, थोड़ी सी टूटी हुई अच्छी लगती हैं क्योंकि हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं। इसको हमें करना है डबल फ्राई, तो इसको डाल दूंगी दोबारा से कढ़ाई में। फ्राई होने देते हैं, इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी होने तक तलेंगे हम। देखिए अच्छी तरह से क्रिस्प होने शुरू हो चुकी है ये। अब जो क्रिस्प हो रही है टिक्की उसको अब करेंगे सर्व। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी टिक्की है वो बनके तैयार हो चुकी है, तो इसको अब चाट बनाएंगे। आलू टिक्की है बनके हमारी तैयार हो चुकी है। आपको भी अगर ये टिक्की बनानी है तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको करते हैं टेस्ट।